औरंगजेब मुगल काल का अंतिम शासक है ना। औरंगजेब भी देखो, अबुल मुजफ्फर, मोइनुद्दीन, आलमगीर, आलमगीर फिर औरंगजेब। जिंदा ए पीर, गाजी ए सुल्तान, शाही दरवेश, है ना। औरंगजेब है। और औरंगजेब की अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले अबुल, ये इनकी उपाधियां हैं। देखो एक बार, अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन आलमगीर, ये इसका नाम था। और ये शासक किस नाम से बनता है? औरंगजेब के नाम से। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर, ठीक है ना। और गाजी सुल्तान यानी सबसे ज्यादा कट्टर था ये, है ना, धर्म विरोधी था। और शाही दरवेश भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही दरवेश। ये 1658 में शासक बना। कब शासक बना? 1658 में। और कब तक रहा? 1707, यानी मार्च 1707 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इससे पहले अपन थोड़ी सी पीछे की तरफ चलेंगे, यानी ये किसका पुत्र है? शाहजहां का, ठीक है ना। ये शाहजहां का पुत्र है। और शाहजहां के उसमें तीन बेटे थे। कितने बेटे थे? चार। एक जहांआरा भी थी, वैसे 14 बेटे थे उसके, ठीक है ना। मुमताज थी ना, मुमताज, उसके कितने बेटे थे? 14। और 14 बेटे के समय जब उसका वो पैदा हो रहा था, उसमें उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किसकी? मुमताज की। इससे अपन यहां देखते हैं, शाहजहां के समय एक बार देखो आप, सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह है। क्या नाम था? दारा शिकोह है। पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, और शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था। शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा। और इसे ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। क्या कर देता है? उत्तराधिकारी। दूसरा जो बेटा था ये था सुजा, सुजा, ठीक है। क्या नाम है? सुजा। तीसरा जो बेटा था उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब। और अंतिम जो बेटा था वो था मुराद। क्या नाम है? मुराद। ये इसके चार बेटे थे। और चारों बेटों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, है ना। क्या हुआ? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। कारण ये था कि 1656 ईस्वी के लगभग शाहजहां बीमार पड़े। और शाहजहां बीमार पड़े तो सबके सब बादशाहों को इकट्ठा, जितने भी सरदार थे ना इसके दरबार में आगरा में, उन सब सरदारों को इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करके कहा गया कि मेरा उत्तराधिकारी है ये, किसको घोषित करता हूँ? दारा शिकोह को, क्योंकि ये इसका प्रिय बेटा था, इसी के पास रहता था, है ना। और इससे सूजा नाराज, इससे औरंगजेब नाराज, और इससे मुराद भी नाराज, सारे के सारे। वो उनसे कोई मतलब नहीं है, जो थे वो रह गए, उनसे कोई मतलब नहीं। इनमें अपन पढ़ेंगे इनको, क्योंकि इनके समय में क्या हुआ था? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था, है ना। ये एक दूसरा था वो शासक बनना चाहता था, और जिसमें तलवार में जिसकी में दम होगा, जो अपने सभी भाइयों को मार करके शासक बनेगा, वो ही क्या बन सकता है? यहाँ पर शासक बन सकता है। बड़ा बेटा है वो, यहाँ पर शासक बनना संभव नहीं था, है ना। क्योंकि शाहजहां स्वयं भी अपने भाइयों को मार करके फिर राजगद्दी पर बैठता है। और इन्होंने कहा, औरंगजेब, मुराद और सुजा ने, कि अपने पिता खुद एक अपने भाइयों को मार करके शासक बनता है, तो फिर पिताजी कौन होते हैं यहाँ पर दारा शिकोह को शासक बनाने वाले, उत्तराधिकारी बनाने वाले? हम तय करेंगे ये, है ना, हम तय करेंगे चारू भाई कि कौन सा उसमें शासक बनेगा। जो पराजित होता जाएगा वो चला जाएगा, और जो जीत जाएगा वो क्या बन जाएगा? शासक बन जाएगा। अब इसमें देखना है, आपका दारा शिकोह है,
दारा शिकोह है, ये इसमें कहां पर था, आगरा में, है ना, कहां था, आगरा में अपने पिता के साथ। और औरंगजेब कहां था, औरंगजेब था दक्षिण में, कहां था, दक्षिण में, दक्षिण का सूबेदार था औरंगजेब, और आगरा में कौन था, दारा शिकोह था। यहां बंगाल वाले चित्र में, बंगाल वाले चित्र में कौन था, सूजा, है ना, सूजा था बंगाल वाले चित्र में, कि अपने बेटे, चार बेटे थे, इन चारों बेटों को अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे दक्षिण में औरंगजेब को इलाका दे रखा था, बंगाल में सूजा को दे रखा था, दारा शिकोह को आगरा वाला आसपास का एरिया दे रखा था, और यहाँ पर सौराष्ट्र या गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये दे रखा था किसको, मुराद को। ये चारों बेटों में अपने साम्राज्य को इसने बांट रखा था, अपने साम्राज्य को बांट रखा था। अब जब यहाँ उत्तराधिकारी वाला जो सम्मेलन हुआ, सभी सरदारों को इकट्ठा किया गया, तो सबसे पहले यहाँ ये सोचता है कि पिताजी कौन होते हैं ऐसे करने वाले, तो ये यहाँ से इस तरफ क्या कर देगा, अटैक करेगा आगरा के ऊपर, है ना। पहला अटैक है वो सूजा के द्वारा किया जाता है, सूजा को औरंगजेब से कोई मतलब नहीं, दारा शिकोह से कोई मतलब नहीं, मुराद से कोई मतलब नहीं, है ना, ये अकेला ही है। यहाँ पर दारा शिकोह के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाएगा, यानी इसने कहाँ पर आक्रमण कर दिया, आगरा पर, आगरा पर आक्रमण करने के लिए जैसे गया, है ना, जैसे ये गया, यहाँ पर एक बहादुरगढ़ वाला चित्र आपको मिलेगा, कौन सा चित्र, बहादुरगढ़, ठीक है। और बहादुरगढ़ के आसपास में, यानी बहादुर पहला जो युद्ध हुआ था आपके दारा शिकोह की तरफ से था जय सिंह, और यहाँ पर था सूजा। एक बार देखो आप, ये यहाँ तो है सूजा, जो कहाँ का था, बंगाल का सूबेदार, इसमें सूजा कहाँ का है, बंगाल का सूबेदार, और बंगाल का सूबेदार सूजा, और यहाँ पर दारा शिकोह की तरफ से आपके मिर्जा राजा जय सिंह है, कहाँ के थे, आमेर के, और इसी के साथ में दारा का पुत्र है जिसका नाम था सुलेमान शाह है, क्या नाम है, सुलेमान, ठीक है, सुलेमान शिकोह है, ये सुलेमान शिकोह है, ये दारा का पुत्र था। ये दोनों के दोनों यहां से चल करके और इस बहादुरगढ़ वाले क्षेत्र में आए, आगरा इसको पूछने ही नहीं दिया, इससे पहले ही यहाँ पर बीच में ही इनके बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया, इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, आपका बहादुरगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में, कब होता है, 1658 ईस्वी में, यानी 1658 ईस्वी में जय सिंह और सुलेमान शिकोह और सूजा के मध्य युद्ध हुआ, जिस युद्ध में जय सिंह है ये क्या हो गया था, जीत गया था, ठीक है ना, जय सिंह की जीत हो जाती है, और सूजा है ये वापस बंगाल की तरफ भाग गया, सूजा वापस बंगाल की तरफ भाग गया। पहला उत्तराधिकार संघर्ष था ये, किन किन के मध्य, दारा शिकोह और सूजा के मध्य, ठीक है ना। पहला युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में, कौन सा युद्ध है, बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये सूजा और जय सिंह, इसका सेनापति था दारा शिकोह का, और उसका पुत्र था कौन, सुलेमान शिकोह है, इनके मध्य हुआ, जय सिंह यहाँ पर जीत जाता है, और उसके बाद में सूजा है ये यहाँ से वापस कहाँ चला गया, बंगाल की तरफ चला गया। पहली बात आपको समझ में आई। उसके बाद में दूसरा, औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब है ये अपने भाई को मैसेज करता, मतलब कहता है, और कहता यह है कि यार अपने पिताजी ने दारा शिकोह को शासक अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, यार भाई मैं भी यही कह रहा हूँ आपको कि ऐसा कैसे कर दिया है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अपने सबसे तगड़े हैं दक्षिण में सूबेदार औरंगजेब भाई साहब, वो क्या बन सकते हैं, शासक बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो दक्षिण में संतुष्ट हूँ, दक्षिण में संतुष्ट हूँ, ऐसा करो आप, है ना, आप क्या बन जाओ, शासक बन जाओ। तब यहाँ पर ये चलेंगे, यहाँ आएंगे इस क्षेत्र में, यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है मालवा, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, मालवा। यहाँ दक्षिण से औरंगजेब चला और आपका गुजरात से कौन चला, मुराद, ठीक है। और मुराद दोनों यहाँ पर आ गए इस मालवा वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में आए, मालवा वाले क्षेत्र में। जब ये मालवा वाले क्षेत्र में आए तो यहाँ पर इनको पता चल गया कि भाई आपका औरंगजेब और मुराद है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, पहले तो अकेला सूजा आया था, इसको तो अपन ने निपटा दिया, ठीक है, जय सिंह था ये इसको हरा करके भगा देता है, और उसके बाद में मुराद और औरंगजेब हैं ये आ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने सोचा कि यार अब ये दोनों आएंगे और दोनों की संयुक्त सेना को हराने के लिए कोई शक्तिशाली सेनापति अपने पास होना चाहिए,
और उसमें शक्तिशाली सेनापति था जसवंत सिंह, वो कहाँ का था, मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह को कहा गया कि आप ऐसा करो, औरंगजेब और मुराद दोनों अपनी संयुक्त सेना लेकर के आगरा पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, आगरा पर। जब इनको कहा गया तो मैं क्यों लड़ूं भाई, मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या मिलेगा, जसवंत सिंह ने साफ साफ मना कर दिया। और फिर इनको कहा गया कि सांझा कहता है कि मैं आपको मालवा दे दूंगा, कौन सा चित्र दे दूंगा, मालवा, यानी जागीर के रूप में जसवंत सिंह को क्या दे दिया गया, मालवा दे दिया गया। और ये मालवा था, इन मुगलों के पास था, है ना। कब से था, 1561 से, या फिर पहले से, या 1661 से, या उससे पहले से, यानी 1561 ईस्वी में। मालवा किसके समय, हुमायूं के, आपके अकबर के समय से ही मालवा था। और मालवा था ये, यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको टैक्स मिलता था मालवा से, इस कारण से मुगल देना नहीं चाहते थे। और देना नहीं चाहते तो फिर अंतिम रूप से करे क्या, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है जसवंत सिंह, उसमें सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था मारवाड़ का, और इनका सेनापति भी। इस कारण से मुराद और औरंगजेब जैसे यहाँ मालवा वाले क्षेत्र में आए, और इस मालवा में एक जगह पड़ती है, वो है आपकी धर्मत। कौन सी जगह है, धर्मत, यानी आपकी औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना को ये जसवंत सिंह है पहले ही रोक लेता है। जब दोनों के दोनों आए तो इन्होंने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो, हैं? तो इन्होंने कहा, हमारे पापा हैं, पिताजी हैं, वो बीमार है, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। सीधी सी बात है, पापा बीमार है तो मेलबर्न जा रहे हैं, आगरा, यार आगरा मेलबर्न तो जा रहे हो, ठीक हो, लेकिन एक एक लाख सेना लेर कौन जाए है मेलबर्न, केला लेर चल जाए, मूंगफली लेर चल जाए, बिस्कुट लेर चल जाए, गोली लेर चल जाए, थे सैनिक लेर आ रहे हो बाप जी, का ही करूँ हो। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, अपनी सेना को यहीं पर रहने दो, और दोनों भाई हैं ऐसे कैसे खाली हाथ जाओ, उससे मिलने के लिए जाना है। तो औरंगजेब कहता है कि हम सेनापति हैं, मैं दक्षिण का सेनापति था, सूबेदार था, और मुराद है ये गुजरात का सूबेदार था, इस कारण से हम सेना तो रखते हैं भाई, है ना, और सेना को कहाँ छोड़ करके आते, क्या पता विद्रोह कर देते, इस कारण से हम साथ लेके आ गए। उन्होंने कहा ना, आपको अकेले जाना है, तो इन्होंने कहा एक महीने का टाइम हमें दो। तो यहाँ पर ये धर्मत वाला जो युद्ध है, कौन सा युद्ध, धर्मत का युद्ध, ये जो धर्मत का युद्ध है, ये मालवा के पास में धर्मत पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा युद्ध है धर्मत का युद्ध, ये जो धर्मत का युद्ध है, यहाँ पर एक तो होगा आपका औरंगजेब, और इसके साथ में कौन है, मुराद, ठीक है। और किस किस के मध्य, दारा की तरफ से कौन था, दारा सिखों की तरफ से जसवंत सिंह, और एक कासिम खां, एक था जसवंत सिंह जो कहां का शासक है, मारवाड़ का शासक, ठीक है, जसवंत सिंह, और इसके साथ में था कासिम खां। अब जब इन्होंने कहा कि एक महीने का समय हमें दो, ये होता है अप्रैल 1658 ईस्वी में, कब होता है, अप्रैल 1658 में, ये युद्ध मालवा धर्मत का युद्ध। अब जब इन्होंने कहा एक महीने का टाइम दो, जसवंत सिंह कहता है कि कोई दिक्कत को नहीं, एक महीने को टाइम ले लो आराम से, हमारी सेना है उसको कहीं रख करके, एक जगह छोड़ करके, शिविर लगा करके हम चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ये चालाकी करना शुरू कर देता है औरंगजेब, और चालाकी ये कि यार अब यदि अपन इससे लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे, तो जसवंत सिंह है ये अपन से भारी है, ये अपन को हरा देगा, है ना। और भारी वालों तो सीधी सी बात है हार सी, क्योंकि इसमें जसवंत सिंह था ये शक्तिशाली था, और जब यदि इसी समय युद्ध होता तो इसमें औरंगजेब और मुराद हार जाते, लेकिन एक महीने के टाइम में ये कासिम खां से मिलता है, किससे मिलता है, कासिम खां से। ये गया नहीं था, ये यहीं पर था, और इसने रणनीति चापलूसी कूटनीति अपनाना शुरू कर दिया, और इससे मिलता है, इससे कहता है कि यार आजकल तो आप तो एक हिंदू के सेनापति हो, आजकल आप किसके सेनापति हो, हिंदू के सेनापति, क्योंकि दारा सिको था, आराम से ऋग्वेद पढ़ता था, ऋग्वेद है ना, और रामायण पढ़ता था, महाभारत पढ़ता था, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था, कहने का मतलब उसे कोई मतलब नहीं था, मस्त था, कहने का मतलब कट्टर नहीं था वो, है ना, हिंदुओं का अहित नहीं चाहता था। इस कारण से ये कहता है कासिम खां को कि आजकल तो पाए हिंदू के सेनापति हो, तो उसने कहा यार मैं कब हूँ, तेरा भाई है दारा सिको, उसका सेनापति हूँ मैं, कहाँ से
हिंदुओं का सेनापति हूँ कि यार वो नहीं है क्या है? देख वो कुरान पढ़ता, वो तेरा धर्म इनके हिंदुओं के रामायण पढ़ता है, ओम भूर भुवस्वः करता रहता है, दिन भर रामायण पढ़ता रहता है, महाभारत पढ़ता रहता है ना, और हिंदुओं के ब्राह्मणों के साथ में बैठता है, सारे दिन इन्हीं को रखता है। तो इन्होंने कहा कि बात, मैं वहां का सेनापति, उसी का सेनापति हूँ, तो हिंदू ही हूँ, हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ। अब ये कहता है कि पिछला जो युद्ध हुआ सूजा के साथ में, उसमें सेनापति कौन था, मुख्य सेनापति दारा का? तो वो कहता है कि जय सिंह था। कौन था? जय सिंह। तो फिर जय सिंह कौन था रे? हिंदू था। जय सिंह कौन था? हिंदू था। तो फिर वो मुस्लिम कहाँ हुआ बता, है? और मुख्य रूप से सेनापति था ना बहादुरगढ़ के युद्ध में। फिर कहता है अब तू किसके साथ में युद्ध करने के लिए आया है? जसवंत सिंह के साथ में। और जसवंत सिंह कौन है? हिंदू है। तो फिर आप मुस्लिम हो गया? कि नहीं यार। और फिर इसी के साथ में, जसवंत सिंह के साथ में दो और आए हैं, एक कोटा का मुकुंद सिंह आडा, वो भी मुस्लिम है क्या? कि नहीं, वो भी हिंदू है। तो फिर एक रतलाम का और आया है, रतन सिंह राठौड़, वो भी हिंदू मुस्लिम है क्या? कि नहीं, वो भी हिंदू है। और जब ये युद्ध करने के लिए आया औरंगजेब, ये आपका जसवंत सिंह मेरे से, इस समय जब युद्ध करने के लिए आया तो मारवा, ये जो मालवा वाला छत्तर किसको दिया गया? तो जसवंत सिंह को। तो फिर आप एक मुस्लिम के सेनापति हो? कि नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? इस कारण से ठीक एक दिन पहले ये कासिम मोहम्मद, जो कासिम खा था, ठीक है ना, ये किससे अपने सेटिंग कर लेता है? औरंगजेब से। कहने का मतलब अपने 30,000 सैनिकों को लेकर के ठीक एक दिन पहले, धर्मत के ठीक एक दिन पहले, है ना, ये क्या करता है? औरंगजेब के साथ जाकर के मिल जाएगा। औरंगजेब के साथ जाकर जब मिलेगा तो जसवंत सिंह की जितनी भी रणनीतियां थी, जसवंत सिंह ने को पता था कि अपन को कैसे युद्ध करना है। अपन कोई भी काम करे तो पहले रणनीति तो बनाएंगे और उन रणनीति के अकॉर्डिंग करेंगे। अपन मान लो 5-7 जने हैं, मिलकर के काम करेंगे, और यदि एक भी उस रणनीति से अपने दूर चला जाता है और वो दूसरे के पास चला जाएगा तो पूरी की पूरी रणनीतियां अपनी फैल। तो यहाँ पर जसवंत सिंह की पूरी रणनीतियां थी वो फैल हो चुकी। साथ ही यहाँ पर इसकी 30,000, लगभग 30,000 के समथिंग फौज थी, वो भी कम हो चुकी। यहाँ जसवंत सिंह है बुरी तरह से हार जाता है, और जब ये हारता है तो इसी के साथ के सरदार भी थे जोधपुर के, मारवाड़ के, तो वो कहते हैं कि ये जीत मुगलों की आपस में है, उत्तराधिकार को लेकर है, अपन क्यों मर रहे हैं यहाँ पर? औरंगजेब को कहते हैं। तो औरंगजेब, अब जसवंत सिंह कहता है यार अपन को युद्ध जीतना है, चाहे हारूं चाहे जीतूं, मैं यहां से भाग करके नहीं जाने वाला, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए। लेकिन सरदार हैं, जबरदस्ती उससे बाहर ले जाते हैं और ये जोधपुर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जोधपुर। और जब जोधपुर गया तो जसवंत सिंह की रानी थी और उसका नाम था हाड़ी रानी। क्या नाम था? हाड़ी रानी जसवंत, ठीक है ना। ये जसवंत दे थी, वो उसकी बुआजी है जिसने क्या कटवा दिया था, अपनी गर्दन काट करके दे दी थी सेनानी के रूप में, है ना, रतन सिंह चूंडावत को सेनानी काट करके दे दी थी ना, उसकी बुआजी थी। और जब ये युद्ध करके गया, हार करके जब गया, तो रानी ने उसका बारवां बारवां करके और लाडू वड्डू बटवा दिए थे, और उसने कह दिया कि यहाँ जसवंत सिंह यदि आए, है ना, तो आप इस दुर्ग के महल के गेट मत खोलना। जब आया जसवंत सिंह, उसके सरदार उसके साथ आए, तो गेट, दुर्ग के गेट थे बंद थे, और उसने कह दिया कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो हारा हुआ तो आ ही नहीं सकता, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ये युद्ध करेंगे तो या तो युद्ध में मारे जाएंगे, वीरगति को प्राप्त होंगे, है ना, या फिर युद्ध को जीत करके आएंगे, या फिर युद्ध को जीत करके आएंगे। इस कारण से इन्होंने गेट को बंद कर दिया। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की, है ना, जब जैसे ही वो यहाँ दुर्ग वाले गेट पर आया तो उसने कहा भाई गेट खोल, तो जो गेट कीपर था उसने मना कर दिया कि हम आपको जानते ही नहीं है, आप क्यों आए हो यहाँ? तो उसके, मैं जसवंत सिंह हूँ, है यहाँ का राजा, राव जसवंत सिंह। यार ऐसे कैसे हो गया कि आपके तो लड्डू खाए 3 दिन हो गए, आपके तो लड्डू खाए 3 दिन हो गए, रानी ने यहाँ पर लड्डू वड्डू बटवा दिए, आपका बारवा बारवा कभी हो गया, आप यहाँ क्यों आए हो, आप हो ही नहीं जसवंत सिंह, है ना, आप तो झूठे हो। तब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं जसवंत सिंह हूँ। फिर इन्होंने गेट खोला, सरदारों ने उनसे रिक्वेस्ट की, ठीक है, मां अंदर जाकर के बैठ गया, मां इंजार आराम से बैठा है। फिर इनके लिए खाना लगाया जाता है, और खाना है, दासी थी, नौकर थे इनके, उन बर्तनों में लाते हैं जो राजा महाराजा बर्तनों में खाते हैं, जैसे चांदी सोने या फिर स्टील वगैरह के। तो
तो जैसे ये बर्तनों में लेकर के आया खाना, तो उसने खेदानी ने कह दिया कि रुको रुको, आले कटे जा रहा हो, डर लागे लो बार जसवंत सिंह जी हैं, तो एक काम करो अमासु तो उठाओ, या तो लकड़ी का बर्तन ले रहा हो, क्या का बर्तन लकड़ी का, या फिर कोई पत्ते वत्ते लाओ, पत्ता ठीक है ना, ज्या फां बन वो कागोस कागोस करा देना कौन खुआ के किरण का पत्ता पर या फिर क्या का पत्ता पर, ठीक है, तो उनको बुला, एक काम करो आप या तो पत्ते लाओ या फिर लकड़ी के बर्तन लाओ। तो उन्होंने कहा क्यों, इनको जब तलवारें आपस में टनाटन टनाटन बाजती है ना, तब इन राजा को डर लगता है, इस कारण से वो बर्तन है मेटल वाले बर्तन आपस में टकराएंगे तो क्या पता ये खाना बीच मर के छोड़ करके भाग जाएंगे, इस कारण से इनको खाना है वो लकड़ी के या पत्तों पर दो, नहीं तो ये बीच में खाना छोड़ करके चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जसवंत सिंह ने, रब रे भाभी देव थोड़ी बहुत देर से रोटी तो अब खावा दे ढंग से। इसके बाद में वो वहां से निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये जसवंत सिंह था, यहाँ पर कौन जीत गया था आपका, औरंगजेब और मुराद। इसके बाद में दूसरा युद्ध हो गया ना, तीसरा युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध है, ये है यहाँ पर सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा है, सामूगढ़। है ना, सामूगढ़ का युद्ध। इस सामूगढ़ के युद्ध में अब जब आगरा पर अधिकार करने के लिए जाएगा, जसवंत सिंह था ये हार गया, औरंगजेब जीत गया, और ये आगे बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, आगे आगरा की तरफ। अब यहां पर सामूगढ़ का दारा है स्वयं अपनी सेना लेकर के आएगा, दारा है स्वयं अपनी सेना लेकर के आएगा। ये जोधपुर चला गया था जसवंत सिंह, ये जब सेना लेकर के आया तो औरंगजेब और मुराद, इस दारा को इन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ये भी युद्ध था 1658 ईस्वी में, मई 1658 ईस्वी में। इस युद्ध में दारा को हरा दिया, दारा दौड़ता हुआ गुजरात चला गया, क्योंकि उसमें गुजरात खाली था, मुराद कहाँ गया था, आगरा अटैक करने के लिए औरंगजेब के साथ मिलकर के। और जब ये दारा यहाँ पर गुजरात गया, औरंगजेब अब है आगरा पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि दारा तो है नहीं। और जब यहाँ औरंगजेब अधिकार करने के लिए गया आगरा में, तो इनके पिता थे शाहजहां। कौन थे, शाहजहां। इन शाहजहां को एक जगह है मुसम्मन बुरज, इस मुसम्मन बुरज में क्या कर दिया, कैद कर दिया। क्या कर दिया, कैद, यानी 1658 में इनको कैद में डाला गया और 1666 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। है ना, यहां पर अब इनका अधिकार हो गया। और इनका अधिकार होने के बाद में ये मुराद को बुलाता है, किसको बुलाता है, मुराद को। और मुराद को कहता है कि आ भाई, अब तेरा राज तिलक मैं करता हूं, तेरा राज तिलक मैं करता हूं, तेरी की ताजपोशी मैं करता हूं। तो इसको बुलाया एकांत में और ले जा करके, कहते हैं कि इसे ग्वालियर के किले में कैद रख दिया था, और वहां ले जाकर के इसको हलाल कर दिया गया। क्या कर दिया, हलाल, मतलब इसकी हत्या कर दी, किसने, औरंगजेब ने। तो अब देखो, सूजा था ये कहां चला गया, बंगाल। आपका मुराद क्या हो गया, खत्म। और दारा कहां चला गया, गुजरात। अब जब ये यहां पर इसको हलाल कर दिया गया, अकेला बचा, कौन बचा, औरंगजेब, औरंगजेब बचा। अब यहां पर जब औरंगजेब बचा, तो सूजा ने सोचा कि यार अपन ने पहली एक ट्राई कर ली थी, और पहले तो मुराद इसके साथ था औरंगजेब के साथ में, अब ऐसा करते हैं कि औरंगजेब अकेला है, और अकेला है तो अपन ने एक बार और ट्राई करते हैं उस पर, है ना, हो सकता है कि उसे हरा देंगे, अब की बार अकेला हो गया। तो सूजा है, एक जगह पड़ती है आगरा के पास खजुआ, कौन सी जगह पड़ती है, खजुआ। इस खजुआ का जो युद्ध है, ये सूजा और औरंगजेब के मध्य हुआ, किसके मध्य हुआ, सूजा और औरंगजेब के, यानी ये होता है 1659 ईस्वी में, है ना, 1659 ईस्वी में जब हुआ खजुआ का युद्ध। इसमें एक तो था आपका सूजा और एक आपका औरंगजेब। यहां जब औरंगजेब और सूजा में युद्ध हुआ, औरंगजेब इस युद्ध में भारी पड़ा किसके ऊपर, सूजा के ऊपर। अब जैसे ही एक बार देखना, यहां शाहजहां को कैद कर लिया, कौन से युद्ध में, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की जीत हो गई, सामूगढ़ के दीर्घ में आपके युद्ध में औरंगजेब की जीत। उससे पहले जयसिंह था दारा सिखों की तरफ था, किसकी तरफ था, दारा सिखों की।
दारा सिको था वो उससे जब हार गया, गुजरात भाग गया जयसिंह अकेला, और ये औरंगजेब है, जयसिंह है, इस औरंगजेब की तरफ मिल गया सामूगढ़ के युद्ध के बाद में, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में, क्योंकि अब भारत का बादशाह कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा, तो ये यहाँ जैसे जयसिंह आया और जयसिंह इस सामूगढ़ के युद्ध में इसके साथ हो जाता है, और इस युद्ध में साथ हुआ तो वेलकम है आपका, आइए, आपने जो भी कर दिया वो कर दिया, अब आपको माफ किया जाता है, अब मेरे लिए आप काम कीजिए, है ना। तो जैसे उन्होंने काम किया, अब एक काम और करना, आप तो आए तो बहुत बढ़िया बात है, एक जसवंत सिंह और है, उस जसवंत सिंह को भी आप मेरी तरफ मिलाओ, है ना। तो जय सिंह है ये जसवंत सिंह को कहता है, इतने दिन हो गया वो हो गया, अपन दोनों को अब भारत का बादशाह औरंगजेब बन गया है, और इन्हीं की क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, इन्हीं को बादशाह मानना पड़ेगा। तो जसवंत सिंह कहता है कि ठीक है भाई, है ना। लेकिन जसवंत सिंह हमेशा उसे क्या करता है, उसका विरोध करता है, उन दोनों के विश्वास नहीं, औरंगजेब और जसवंत सिंह को आपस में विश्वास नहीं है कि और ये आपका जसवंत सिंह है, कब भी अपन को क्या कर देगा, धोखा दे देगा। अब यहाँ ये सुजा के साथ देखना एक बार, ये सुजा को मैसेज किया, लेकिन सुजा को जैसे मैसेज किया तो इसने यहाँ पर देखो, इस चित्र में, खजुआ वाले चित्र में, एक तरफ आपका ये औरंगजेब है यहाँ पर आ जाएगा, जसवंत सिंह भी इसमें आएगा, जसवंत सिंह उसमें जोधपुर में था, कहाँ था, जोधपुर में, ये जोधपुर से चल करके, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, उदोराई का युद्ध था, है ना, यहाँ पर ये सुजा है, इस सुजा को हरा देता है इसमें, इस युद्ध में, ठीक है। और हराने के बाद में सुजा हमेशा हमेशा के लिए कहाँ चला जाएगा, मणिपुर वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत की तरफ, यानी अराकान योमा जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर, या फिर अपन कह सकते हैं बर्मा, ठीक है ना, वहां चला गया, और इस युद्ध के बाद में वो इस तरफ आया भी नहीं। और कहते हैं कि मणिपुर वाले आसपास के जो भी जितने भी मुस्लिम हैं वो सुजा के वंशज माने जाते हैं। किनके वंशज माने जाते हैं, सुजा के वंशज, ठीक है ना। तो पहला युद्ध कौन सा हुआ था, बहादुरगढ़ का युद्ध, उत्तराधिकार को संघर्ष को लेकर के। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ, धर्मत का युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा हुआ, सामूगढ़ का। चौथा युद्ध कौन सा हुआ, खजुआ। अब यहाँ पर ये चला गया, मुराद मारा गया, और ये और जसवंत सिंह है इसमें जोधपुर में है। अब ये दारा को मैसेज करता है कि एक काम कर, तेरे को शासक बनना है क्या, दारा को कहता है कि शासक बनना है क्या, जोधपुर से ही कहता है ना। तो दारा ने कहा यार जरूर बनेंगे, तो वो कहता है यार कोई बात नहीं, शासक तो बन लेना, अकेला मत आना, क्योंकि अब औरंगजेब है वो शक्तिशाली हो चुका है, भारत के शासक हैं उसके साथ में है, और आप ऐसा करो भारत के राजाओं के साथ में संगठित होकर के आना, मतलब इन राजपूत राजाओं के साथ मिलकर के आना। उसमें ये गुजरात में था, अब ये कहता है जब गुजरात में था तो ये इसको पता चल गया औरंगजेब को, गुजरात में कौन था, गुजरात में है दारा, दारा, और जोधपुर में कौन है, जसवंत सिंह। देखो आप सामने जोधपुर में है जसवंत सिंह, ठीक है, और आगरा में कौन है, इस आगरा में नहीं है, दिल्ली पर, दिल्ली में कौन है आपका, औरंगजेब। ये यहां से उसको कहता है दारा को कि आपको शासक बनना है, तो ये कहता है कि बिल्कुल, तो ये कहता है कि आपको अकेला नहीं आना है, अब राजपूत राजाओं को साथ लेकर के आना है, यदि आप राजपूत राजाओं को साथ नहीं लाओगे तो औरंगजेब बहुत शक्तिशाली हो चुका है और अपन ने उसे हरा नहीं पाएंगे, इस कारण से दारा है इस क्षेत्र से। अब जब इस बात का इसको पता चल गया कि औरंगजेब है ये दारा के साथ में संगठन कर रहा है ना, दारा के साथ में सेटिंग कर रहा है, गठबंधन कर रहा है, इस कारण से औरंगजेब कहता है कि यार जसवंत सिंह मान यार, अब भी क्यों तो आंगले करवाग लाग रहे हो, इन थोड़ी टेढ़ी राग ले है, है ना। तो कहता है कि क्यों, तो कहता है कि मैं तेरे को गुजरात देता हूं, क्या देता हूं, गुजरात। अब पहले तो जसवंत सिंह के हाथ में कौन सा क्षेत्र था, मालवा, मालवा दे दिया गया था ना उसको धर्मत के युद्ध से पहले, तभी तो युद्ध करने के लिए गया, और बाद में एक क्षेत्र और इसको कौन सा दे दिया गया, गुजरात वाला क्षेत्र। अब दो क्षेत्र हो गए, अब कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कौन करूं युद्ध, है ना। फिर भी ये यहाँ गुजरात आने के बाद में, जब ये गुजरात आया तो यहाँ दारा था, और दारा कहाँ चला गया, इस सिंध वाले क्षेत्र में, यहाँ से भाग करके चला गया, कि हो सकता है ये जब इनको गुजरात दे दिया गया औरंगजेब के द्वारा तो अपनी हत्या कर देंगे, इस कारण से यहाँ से चला जाता है। फिर भी जसवंत सिंह उसको कहता है
शासक बनना चाहता है, तो वो कहता है कि हाँ, तो ये कहता है कि अकेला मत जाना। और ये फिर सिरोही में वाले क्षेत्र में, सिंध से सिरोही वाले क्षेत्र में आकर के यहाँ इस क्षेत्र में आए, और फिर उसमें मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राजा कौन थे इसमें? राज सिंह। कौन थे? राज सिंह। राज सिंह और जसवंत सिंह, मेवाड़ के राज सिंह और जोधपुर के या मारवाड़ के जसवंत सिंह, ये दो ही राजा ऐसा थे जिन्होंने औरंगजेब का विरोध किया है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे आप जजिया कर के रूप में ले लो, चाहे आप हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने में ले लो, या फिर किसी भी हिंदू राजकुमारी की रक्षा के रूप में ले लो, ठीक है ना। राज सिंह था, ये कहता था कि यदि किसी राजकुमारी को लगता है कि औरंगजेब मुझे बिना मतलब में प्रेशर के साथ में विवाह करना चाहता है, तो आप मुझे कहिएगा, मैं अपने हिसाब से कहीं पर भी आपका विवाह करा दूंगा, आप कहोगे वैसे। तो हर काम में ये इसके मतलब पैर टांग अड़ाने वाला था। कौन? राज सिंह और जसवंत सिंह। जब ये यहाँ आया सिरोही में, तो राज सिंह को इसने कहा कि मेवाड़ के महाराणा मुगलिय आजम की जो पगड़ी है वो आपके पैरों में है, और मैं दारा सिको है चाहता हूं कि आप हमारा सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें। जब सहयोग क्यों करेगा भाई, ये जैसे इसने कहा तो राज सिंह है ये मना कर देता है, साइलेंट मना, मना भी नहीं करता, मना इसलिए कर देता है क्योंकि जब संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में हुई थी कि मुगल हैं आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तो दे देंगे, लेकिन उसकी आप पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे, जीर्णोद्वार उसका आप नहीं करवाओगे, तो राज सिंह था ये उसका क्या करवा देता है, जीर्णोद्वार करा देता है, मतलब पुनर्निर्माण उसमें करवा देता है। और दारा सिको है ये अब्दुल्ला खां को भेज करके, सादुल्ला खां को भेज करके, और फिर वो कहता है कि इस काम को रोका जाए, है ना। तो ये कहता है कि क्यों, जब हमारा दुर्ग ही है तो हम निर्माण क्यों नहीं करवाएंगे इसका। तो उन्होंने कहा युद्ध होगा। अरे तो तभी तो मैं निर्माण करवा रहा हूं, युद्ध तो मुझे करना है कि ज्यादा होगा, वे लोग मारे जाएंगे, है ना, तो मारे जाने दो। फिर कैसे कह करके, और फिर ये राज सिंह देता है, बंद कर देता है। इस कारण से राज सिंह उसका क्या नहीं करता, सहयोग नहीं करता। और जब सहयोग नहीं करता तो ये अकेला ही है अब, ठीक है ना। और यहाँ इस क्षेत्र वाले, इस क्षेत्र में आए दोराई वाले क्षेत्र में, यानी दोराई का युद्ध। और दोराई पड़ता आपके कहाँ, अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर वाले इलाके में दोराई। जोधपुर से चला चला आपका कौन आ गया यहाँ पर, जसवंत सिंह आ गया। अब जसवंत सिंह ने देख लिया कि अकेला ही हूं, अकेला हूं, दारा सिको भी अकेला है, है ना। अब यहाँ पर सामने दारा सिको है, यहाँ पर औरंगजेब इसको बुलाता है जसवंत सिंह को, लेकिन जसवंत सिंह नहीं आता। और वो कहता है मैं तो बीमार हूं, क्योंकि किसने कहा था, दारा को उसी ने तो बुलाया था आक्रमण करने के लिए, है ना, दारा को उसी ने बुलाया था। इस कारण से वो यहाँ पर नहीं आ पाता, और ब्यावर वाले क्षेत्र के आसपास वो अपनी सेना जोधपुर से निकाल करके ब्यावर वाले क्षेत्र में क्या कर लेगा, बैठ जाएगा। और यहाँ पर इसको पकड़ लिया जाता है, दारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर गिरफ्तार करके ऋषि दिल्ली ले जाया गया। और दिल्ली ले जा करके, और हथकड़ियां हैं वो हाथों में डाल करके, और फिर दिल्ली की जनता को कहा गया कि आप इसके ऊपर थूको, आप इसके ऊपर टॉयलेट करो। किसके ऊपर? दारा के ऊपर। दारा का अंतिम समय था, इतना बुरा बिता कि आप पूछो मत। उसके ऊपर दिल्ली की सारी की सारी जनता टॉयलेट करती है, उसके ऊपर थूकती है, है ना। और उसके बाद में पूरी की पूरी दिल्ली में घुमा करके फिर इसे यहाँ लाया गया, और यहाँ ला करके उसके नाखून उपाड़े गए, ठीक है, उसकी आंखें निकाली गई, और फिर उसकी गर्दन काटी गई, फिर एक बीच में पैक करवाया उसको, पैक करवा करके, और शाहजहां के लिए गिफ्ट भेजा। किसने भेजा? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने गिफ्ट भेज करके कहा कि पिताजी आप उसमें आगरा में थे, वो कहां थे? आगरा में। और ये था कहां? दिल्ली। ऐसा शासक है जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था, ताजपोशी हुई थी इसकी दो बार, ठीक है ना। तो औरंगजेब इसमें दिल्ली इसने पैक करके और वहां पर भेजा। तो जैसे पैक बार गया तो जैसे पहले पत्र था, वो पत्र उनको दिया गया, और पत्र में लिखा हुआ था पिताजी मैंने आज तक जो भी गलती की उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और आज से मुझे माफ कर देना, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खाना खाने से पहले इस गिफ्ट को जरूर देखें। तो उसने कहा मेरे बेटे ने आज देखो कितना अच्छा बेटा है, मेरी सब कुछ पूछता है। अब औरंगजेब जब से कैद कर रखा था, जब से उसके ऊपर अधिकार कर लिया था आगरा पर, तब से लेकर के जहां तक शाहजहां की मृत्यु नहीं होती तब तक वापस आगरा नहीं गया था, दिल्ली में ही था।
और जब उसने का देखा कि ठीक है खोलो रे भाई इसको गिफ्ट को, मैं देखता हूँ उसमें उसके बेटे की गर्दन होती, उसमें उसके बेटे की गर्दन थी, क्योंकि दारा सिको उसका सबसे प्रिय बेटा था। और उसकी गर्दन को देख करके शाहजहां 3 दिन तक उल्टी करता रहा, खाना खाने की दूर की बात, अपना कोई हो परिचित अपने ऐसी गर्दन सामने हो गिफ्ट के रूप में, अपन खाना खा लेंगे, नहीं खाएंगे ना। तो शाहजहां है 3 दिन तक उल्टियां करता रहा और अंतिम रूप से उसकी क्या हो जाती है मृत्यु 1666 ईस्वी में। इतना क्रूर व्यक्ति था आपका कौन, औरंगजेब। यहाँ जब अपन बात कर रहे थे इस खजुआ के युद्ध में, जब ये यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ जसवंत सिंह इसके साथ में था, इसके साथ में औरंगजेब के साथ में, यहाँ पर आपका सुजा है, यहाँ पर औरंगजेब है, यहाँ पर जसवंत सिंह है। देखना एक बार, यहाँ इसी को यही कहता था कि आजा तेरे को शासक बना दूंगा लेकिन ढंग से आना, सोच समझ करके आक्रमण करना है। ये जब इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने कह दिया था कि जब अपन औरंगजेब पर आक्रमण करेंगे ना तो मैं तो यहां से आक्रमण कर दूंगा औरंगजेब के ऊपर, जसवंत सिंह कहता है। और इसके जितने भी औजार थे, अस्त्र शस्त्र थे, वो लेकर के यहां से निकल जाऊंगा, यहां से निकल जाऊंगा और तू है सीधा इसके ऊपर आक्रमण कर देना, अटैक कर देना। ये औरंगजेब, जसवंत सिंह इसके ऊपर जैसे ही अटैक किया, इसके अस्त्र शस्त्र लूट करके, ये आगरा वाला चित्र था, यहां से लूट करके इस आगरा के एकदम नजदीक से निकल रहा था। इसमें आगरा में था शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का मामा था। क्या नाम था? शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा। जब ये लूट करके निकलता है, जस्ट ही सुजा आक्रमण नहीं करता, इतना आलसी कि 4 घंटे बाद में उसके ऊपर आक्रमण करता है। तो 4 घंटे बाद में जब आक्रमण करेगा तो औरंगजेब वापस अपनी स्थिति है वो ठीक कर लेता है, मजबूत कर लेता है। और जब सुजा है ये आक्रमण करता है ना, तब सुजा इसमें हार जाएगा। यदि जस्ट ही आक्रमण कर देगा, शायद कर देता तो यहाँ औरंगजेब है वो मारा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर जैसे ये शाइस्ता खां था, उसको पता चल गया था कि जसवंत सिंह है, ये वहां से निकल करके औरंगजेब के साथ में धोखा करके विरोध करके ये आगरा की तरफ आ गया है, और हो सकता है ये आगरा पर अटैक करेगा। तो उसने जहर की गोलियां ले ली थी अपने हाथ में, है ना, और जहर की गोली जैसे उसने अटैक करेगा जसवंत सिंह, उससे पहले मैं इन गोलियों को खा जाऊंगा, जहर खा जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तब इसकी घरवाली है, इसकी पहलाई थी, वह कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना, जब वो अटैक करे यहाँ पर आए तब खा लेना, थोड़ी देर तो सबर करो, अब भी क्यों मरबंद आ रहा हो, कहीं ध्यान बोल न करे फिर थे मर जाओ, मैं कहीं करा ला गहर ने, है ना, माखो भी तो कोई धनी दौरी चाहे, तो इसलिए वो मना कर देती है, है ना। लेकिन ये जहर की, लेकिन ये क्या करता है, जोधपुर चला जाता है, आगरा पर अधिकार नहीं करता, आक्रमण नहीं करता। ये थे आपके उत्तराधिकारी संघर्ष, कौन से संघर्ष से, उत्तराधिकारी संघर्ष, समझ में आई बात। सबसे पहला कौन सा था, बहादुरगढ़, दूसरा कौन सा था, धर्मत, तीसरा कौन सा था, सामूगढ़, चौथा कौन सा था, खजुआ, पांचवा कौन सा था, दोराई वाला, है ना। और यहाँ पर दोराई वाले क्षेत्र में राज सिंह है, वो हमेशा के लिए इसके औरंगजेब का सहयोग तो करता है जसवंत सिंह के समय, लेकिन साइलेंट, वो आता ही नहीं है युद्ध करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। एक आपका आमेर करता है, एक आपका मारवाड़ वाला, और हमेशा हमेशा के लिए जसवंत सिंह ऐसा ही था। और उसमें फिर यहाँ दक्षिण में यदि बात की जाए औरंगजेब की, तो दक्षिण में जैसे ही वो अटैक करने के लिए गया तो उसका सबसे विरोधी था दक्षिण में शिवाजी, कौन था, शिवाजी। और शिवाजी इनका विरोधी था, तो शाइस्ता खां को दक्षिण में पूना के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा था, किसको, शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां जाकर के पूना के किले पर अधिकार कर लेता है, है ना, और अधिकार करके शिवाजी है वो यहाँ से निकल जाता है। वहां भी जसवंत सिंह कहता है शिवाजी को, क्या आपको वापस इस पे अधिकार करना है क्या, तो कहता है कि हाँ करूंगा, लेकिन मुगल फौज है ये यहाँ पर है और मैं अकेला, तो उसने कहा मेरे पास बंदोबस्त है उसका, मैं आपका सहयोग करूंगा, कि पक्का, कि पक्का। तो जय सिंह है वो आपका जसवंत सिंह, ये उसका सहयोग करता है। लगभग 400-450 ड्रेसें थी ना मुगल सेना की, वो ड्रेसें इनको भेजी गई और सीधा आकर के शिवाजी वो इस महल में जैसे आया तो उन्होंने कहा किलेदार को कि गेट खोल, तो उसने कहा कौन, कि हम तो मुगल सेना के फौजी हैं। तब वो आया तो मुगल सेना के फौजी हैं, तो सोचा कि भाई ये घूमते रहते हैं फौजी, इसलिए रात को कहाँ रुकेंगे, इसलिए खोल देते हैं। और वो सीधा गया शिवाजी और अपने कटार थी वो निकाली और शाइस्ता खां के ऊपर बैठ करके और उसका अंगूठा काट दिया। क्या काट दिया, अंगूठा। और उसको कहा आज तो मैंने अंगूठा काटा है,
और अब यहां महाराष्ट्र में पूना के आसपास यदि तू दिख गया ना तो सीधी गर्दने काट दूंगा। इस कारण से सहिष्णुता का दौड़ा दौड़ा औरंगजेब के पास कहां आ गया, आगरा में। और जब आगरा में आया तो उसने कहा क्यों क्या हुआ, औरंगजेब को कहता है, औरंगजेब कहता है तूने भेजा था ना जसवंत सिंह, उसकी वजह से सारी की सारी गड़बड़ हो गई। तो उसने कहा आज के बाद में मामा तू मुझे दिखना नहीं चाहिए, नहीं मैं तेरे टांगे काट दूंगा, यहां से भाग जा। उसके बाद में उसने हमेशा हमेशा के लिए उसे भगा दिया था, ठीक है ना, उसके और सहिष्णुता खां को हमेशा के लिए उसने भगा दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। अब आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखो आगे दूसरा पेज, सिर्फ ये हेडिंग डाल लो, आप डाल भी ली, वाह, बताओ